हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार, हम आपको जॉब से रिलेटिव प्रतिदिन इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ है ये मेरे नए भाई जो हमारे बिहार से है और ये ट्रेनिंग सेंटर से ज्वाइन किया था सिक्योरिटी, मतलब बोले तो SIS में। तो इसमें भाई से पूछेंगे जो ट्रेनिंग सेंटर में कैसे ज्वाइन किया आप और कितना ज्वाइनिंग फीस लगा, कितना दिन का ट्रेनिंग हुआ और आपको लिए आपके लिए सही रहेगा कहाँ से, चाहे आप ब्रांच से ड्यूटी करो, भर्ती करो, चाहे ट्रेनिंग सेंटर से। तो भाई बताएंगे जो कौन सा बेस्ट रहता है और ज़्यादा भी 2 महीने ही हुआ है अभी ज्वाइन किया हुआ, तो नए लड़के हैं वो भी नया भर्ती हुआ है, तो A to Z हम पूरा जानकारी लेंगे। तो चलिए बने रहे हमारे साथ अंत तक, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप भाई को सैलरी कितना मिल रहा है और आप भी भाई के साथ ड्यूटी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत सारा वैकेंसी है, सीट भी खाली है, तो आप भी आकर के यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिलने वाले हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं भाई, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। अपने बारे में बताइए, क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम राहुल कुमार है, बिहार से हूँ, जिला भोजपुर है। जी मैं ट्रेनिंग सेंटर पर हियारा से आया हूँ, 1 महीना ट्रेनिंग किए हैं और वहाँ फीस लगता है 10,350 रुपया और 1 महीने का ट्रेनिंग होता है। खाने पीने के लिए खाने पीने का 3 टाइम फ्री है और वर्दी और जैसे मैंने पूरा सेट मिलेगा वर्दी का। क्या दो दो सेट मिलता होगा? सर दो सेट मिलता है। तो जिसमें आपको ट्रेनिंग में क्या क्या बताते हैं ये बताइए आप। ग्रीटिंग करना, फिर ग्रीटिंग होता है, फिर नाश्ता सुबह होता है और रनिंग भी कराता हूँ। हाँ रनिंग होता है। अच्छा यार आपका हाइट तो कम लग रहा है, कितना हाइट है? मेरा 1.67 है। अच्छा 1.67 में ले लिया था ट्रेनिंग से। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया। तो आपको कितना 10,300 लगा, तो पहले तो 12,000 था, कितने 2 महीना हो गया ना? हाँ पहले 12,000 था ना फीस, लगभग 3-4 महीना पहले। तो दोस्तों आपको कौन सा बेस्ट होगा? अच्छा नए लड़के जो रहते हैं फ्रेशर, तो उसको ट्रेनिंग सेंटर से सही रहेगा या मतलब ब्रांच से भी भर्ती हो सकता है? दोनों जगह सही रहेगा। अच्छा दोनों जगह से सही रहेगा। तो क्या क्या सिखा देते वहाँ पे ब्रीफिंग के बाद? मान लो अगर क्लास चलता था, ऑनलाइन क्लास चलता है, क्या क्या चलता था वहाँ? ऑनलाइन में फायरमैन के बारे में बताते हैं। फायर के बारे में बता देते। अच्छा एक बात बताइए, जब आप यहाँ पे आए ड्यूटी के लिए तो आपको सबसे पहले मूवमेंट लेटर कहाँ का दिया था? मेरा मूवमेंट लेटर संसार हैदराबाद में कटा था। अच्छा फिर वहाँ इतना दूर ड्यूटी था। अच्छा अच्छा तो मतलब वो बहुत दूर था ड्यूटी, तो वहाँ पे कितने दिन में चले आए वहाँ? 15। अच्छा 15 दिन में चले आए, सही है। कितने लड़के गए थे? 17। तो फिर यहाँ पे कितने लड़के आए? 3 लड़के हैं। और वहाँ पे बाकी वहीं पे है सब? 5 लोग वहाँ है, 2-3 लोग गया है। अच्छा तो हैदराबाद में कितना सैलरी बोला था और सैलरी वहाँ 17,500 का और 12 घंटे का 22,000 रुपये बोले। अच्छा अच्छा तो देता दिया था कि नहीं 15 दिन ड्यूटी किए, तो कुछ आया था कि नहीं सैलरी वहाँ? अच्छा आया था, 8 घंटे तो। अच्छा ये यहाँ पे जो आए तो आपको ट्रांसफर किया था IT, कैसे आप आए यहाँ पे? फील्ड ऑफिसर से बात कैसे हुआ? अच्छा फील्ड ऑफिसर आपके गाँव के थे, तो वहाँ से जो आए यहाँ पे तो IT ट्रांसफर होता है, तो कैसे किए थे आप? तो IT भेज दिए थे रवि आशुतोष सर के पास, वो अपने ट्रांसफर करा के बोले कि आ जा। अच्छा अच्छा वो ट्रांसफर खुद करा दिया है, चलिए बहुत बढ़िया है। और जो नए लड़के आते हैं तो ये ब्रांच में कितना फीस लेता है, कैसे ज्वाइनिंग होता है, ब्रांच के बारे में बता दीजिए। ब्रांच डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है, यहाँ पेमेंट कम लगता है, 7,000+ रुपया लगता है। हाँ 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 और यहाँ पे 2-3 दिन में ड्यूटी फिर चालू हो जाता है ब्रांच से करने। यूनिफॉर्म तो सेम देता है? हाँ यूनिफॉर्म मिलता है। अच्छा अच्छा ट्रेनिंग सेंटर से 1 महीना ट्रेनिंग करिएगा, वहाँ कोई चार्ज नहीं मिलेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद मोमेंट कटेगा, उसके बाद आप ड्यूटी करिएगा तब मिलेगा। अच्छा अच्छा सही है सही है। तो दोस्तों बात यही है सिंपल सा, अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी सही है और ब्रांच से भी डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट के बारे में बता दीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, आधार कार्ड पैन कार्ड, मतलब क्या क्या लगे थे? मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक,
पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन जहाँ ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ लगेगा। अच्छा ट्रेनिंग सेंटर में लगा था। अच्छा अच्छा सही है यार, ट्रेनिंग सेंटर पहले हम सबसे भी ले लिया था यार ट्रेनिंग सेंटर में भी। अच्छा तो उसके बाद जो है ट्रेनिंग सेंटर में ये सब डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद जो है खाने पीने के बोलते बहुत दिक्कत होता है, सही में ट्रेनिंग सेंटर में दिक्कत होता है क्या? खाने पीने का दिक्कत, खाना पीना मिलता है तीन टाइम लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं मिलता। अच्छा 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 तो चलिए सही है। और बाकी एक बात होता है, आप जब यहाँ पे आए हैं तो ड्यूटी में कितना सैलरी बताया है, कितने घंटे का ड्यूटी है आपका? यहाँ 12 घंटे का ड्यूटी है, 17,800 रुपये मिल रहा है ड्यूटी का। अच्छा 12 घंटे 30 दिन। हाँ 17,800 प्लस पीएफ कार्ड के मिलता होगा? हाँ पीएफ कार्ड के। कितना पीएफ मिल जाता है? पीएफ 1300 कटता है सर। अच्छा 1300 कटता है और 19,000 रुपया हो रहा है पहले। हाँ चलो, हाँ मतलब सारे 19,000 हो रहा है आपका टोटल जिसमें से पीएफ काट के मिलता है आपको, तो ये सिस्टम है। और आपके गांव से ही तीनों लड़के यहाँ पे अभी आए हैं, तो साथ में अभी रहते हो तो खाना पीना खुद से बनाते हैं या मतलब कैंटीन में खाते हैं? बनाते हैं। अच्छा कितना खाना का खर्चा पड़ जाता है? महीने का 3,000। अच्छा खाना खाना में अकेला में? हाँ, रूम लगा कर गया सर, तब तो बढ़िया है यार, 3,000 14,000 बच गया आपका सेविंग हो जाता है। तो ये जो है रूम में कितना खर्चा है? 3,000 में रूम है तो 1,000। हाँ रूम तीनों लड़के का 1,000। हाँ 2,000 खाने का, तो 3,000 हो गए टोटल। तो 14,000 आप सेविंग कर सकते हैं। तो भाई सही बोल रहे हैं, जो आप हर जगह यही है 17,18,19,000 ऐसे ही है अभी गुड़गांव में। तो आप भाई गुड़गांव आया, जॉब लिया, जबरदस्त है, बढ़िया है। लेकिन आपको भी जो भी क्वेश्चन है आपको इसे डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हैं, और बाकी आप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करने का कोशिश कीजिएगा तो सही रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि लड़के कम हाइट है किसी का, तो उसको कैसे होगा? ट्रेनिंग सेंटर जाना चाहेंगे या ब्रांच से होगा? कम हाइट है तो दूसरा जॉब में आइए, ऐसे ही इसमें और जॉब है। हाँ ऐसे इसमें नहीं होगा, हो सकता है नहीं, सिक्योरिटी गार्ड में नहीं होगा, दूसरा हो जॉब होगा। अच्छा दूसरे सिक्योरिटी में, ये भी बात सही है। ऐसे में होगा दूसरा, डॉग हैंडल में हो जाएगा, डॉग हैंडल में, फिर गाड़ी चलो। अच्छा अच्छा ट्रांसपोर्ट में आपके सामने में कोई लड़का गया था? अच्छा कितना सैलरी देता है सीआईटी में? अच्छा अच्छा वो सुनने पर सही बात है, वो सब काहे जानेंगे जो अपना लाइन है। यहाँ पे ड्यूटी करते हैं क्या आपको परेशानी होता है ज्यादा, और क्या करने में आसान लगता है ये बताइए कुछ? परेशानी कुछ नहीं है। तो आपका ड्यूटी क्या रहता है यहाँ, लिखने पढ़ने के अलावा क्या क्या करते हैं यहाँ पे? बस वही गेट पर रहिएगा, तो आउट इन करना है और कुछ गाड़ी का आउट इन, या कोई पब्लिक आते हैं गाड़ी और पब्लिक कोई भी आएगा गेट से इंटर करेगा तो उसका एंट्री तो करना है। तो यही सब रहता है ड्यूटी। तो ड्यूटी में देखा जाए तो सैंपल ही है क्या? ड्यूटी सैंपल, वो थोड़ा बहुत इंटीरियर हम सब ऐसे ही नॉर्मली होता है, जो कोई आता जाता है उसका इंची करो, गाड़ी आते जाते हैं जो भी व्हीकल वो भी इंची करो। सैलरी टाइम पे आ जाता है कितना तारीख को? 10 को गारंटी के साथ आ जाता है, हर जगह 10 को ही आता है दोस्तों, बहुत सिंपल से है। और आपको भी जॉब लेना बहुत सिंपल सा है भाई, आप किसी भी ब्रांच में जाइए तो आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए, जैसे कि नाम चेंज हो क्या रहा है तो दिक्कत नहीं होगी? जैसे नाम आधार कार्ड मोबाइल नंबर से चाहिए। अच्छा आधार कार्ड मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। अच्छा 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 चलिए ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तो फिलहाल जय हिंद जय भारत। तो नए लड़के को कुछ बताना चाहेंगे आप, जो नया भर्ती होने आता है तो कहाँ से होगा, ट्रेनिंग सेंटर से या ब्रांच से, ये दोनों में से कहाँ से होगा? ट्रेनिंग सेंटर से होगा तो अच्छा होगा, सीखने के लिए मिलेगा, सीखने के कुछ सावधान विश्राम ये सब। तो दोस्तों यही है, बाकी ये मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको भी इसी से जानकारी मिलते रहे। तो फिलहाल जय हिंद जय भारत।